से पॉकेट चैनल से। दोस्तों आज मुमरा के अंदर जो मुमरा पुलिस स्टेशन के जिम्मेदार हैं एसीपी धुमाल साहब और जो मधुकर कर साहब जो सीनियर पीआई हैं वहां पर मुमरा पुलिस स्टेशन के, जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, आज इन्होंने जो रोड के ऊपर एक धंधा लगाते हैं, जो रोड के ऊपर दुकानें लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, उनको आज सब वो जितना यूनियन के लीडर थे सबको बुला के एक मीटिंग रखी गई है। और मीटिंग में सब लोग आए और मीटिंग के अंदर एक चीज़ रखा गया है, लोगों का सुझाव जो है कि ये ट्रैफिक का मसला, जैसे कि आप जानते हो कि हर रमज़ान के टाइम पे ट्रैफिक का मसला एक बहुत बड़ा मुमरा के अंदर हो जाता है, कि अगर आप पूरे बॉम्बे से आ जाते हो नहीं थकते हो, लेकिन मुमरा स्टेशन से लेके और कौसा तक जाने में आपको इतनी थकान हो जाती है कि आप घर में जाते हो और आपकी हिम्मत टूट जाती है पूरी। तो इसी मुद्दे को लेके, ट्रैफिक को लेके कुछ आज एक मीटिंग रखी गई है, और मीटिंग में जो है हर आदमी अपना अपना एक विचार जो है रखा है वहां पर। तो अभी मुमरा पुलिस ने ये तय किया है कि इस बार मुमरा के अंदर जो है ट्रैफिक का समस्या नहीं रहेगी, जैसे कि रिक्शा वाले जो कहीं भी खड़ा करके मतलब पैसेंजर उतारते हैं, पैसेंजर से पैसे लेते हैं, उनके पीछे काफ़ी सारे ट्रैफिक जाम हो जाती है, ऐसे रिक्शा वालों पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी चीज़ है जो दुकान वाले भी जो कहीं भी दुकान लगाते हैं और कहीं भी अपना ठेला लगाते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई मुमरा पुलिस करेगी, क्योंकि आज इतना बड़ा रोड अगर बना दिया गया है तो आज ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी जो जिम्मेदारी है वो पुलिस मुमरा पुलिस की नहीं है, वो लोगों की है, एक आवाम की है, जो मुमरा में लोग रहते हैं ये उनकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि उनकी गाड़ियां खड़ी रहती है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि जितनी भी रोड पे गाड़ियां खड़ी रहती है उनके अगर घर का पता करो तो उनके घर कम से कम आधा किलोमीटर अंदर है, क्यों? वहां उनके यहाँ गाड़ी लगाने की जगह नहीं, इसलिए रोड के ऊपर छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसी गाड़ियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी चीज है, जो रोड के ऊपर ठेला लगाते हैं, जो कहीं भी खड़े रह के फ्रूट्स वाले हैं या कहीं भी बेचते हैं, इनके ऊपर भी मतलब मुमरा पुलिस कहीं ना कहीं इनका भी एक बंदोबस्त करेगी, क्योंकि किसी का हक नहीं मारेगी, लेकिन कहीं ना कहीं बंदोबस्त करेगी, इनको भी कहीं ना कहीं जगह दिया जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी बनती है कि मुमरा के अंदर ट्रैफिक ना जाम हो, ट्रैफिक को लेकर समस्या बहुत रहती है। दोन ट्रांसफॉर्मर्स आणि इथे मेक कंपनीचे इथे दोन ट्रांसफॉर्मर्स अशी त्यांची जे जागा अवेलेबिलिटी आहे त्याप्रमाणे सहा ट्रान्सफॉर्मरची आपल्यासाठी व्यवस्था केलेली आहे। त्यांचे शिफ्ट वाईज इंजिनियर 8-8 तासाची इंजिनियरची ड्युटी त्यांनी लावलेली आहे आणि ते आमच्याकडे लिस्ट देणार आहेत आणि आपल्याकडे त्यांचे फोन नंबर असले तर आम्ही असोसिएशनकडे किंवा जे जे मेन लोक आहेत त्यांच्याकडे आम्ही त्यांचे फोन नंबर्स देऊ। त्यांना सांगण्यात आलेलं आहे की लोड शेडिंग करण्यात येऊ नये, सध्या त्यांच्याकडे लोड शेडिंगचा सध्या सर विषय नाही आहे, लोड शेडिंगबद्दल जर वरून काही आलं तर फक्त 2-2 तासाचं लोड शेडिंग होऊ शकतं, पण ते ह्या काळात होणार नाही असं त्यांनी सकाळी मला ग्वाही दिली। आणि जर काही प्रॉब्लेम्स आला, आता मी तुम्हाला सांगतो याची अडचण काय आहे ती MSEB-च्या बाबत, साधारणतः आपल्याकडे 23 मे ते 28 मेच्या दरम्यान एखादा पहिला पाऊस पडू शकतो, आणि पहिला पाऊस जर पडला वादळी वाऱ्यासहित तर त्या वाऱ्यासहित पहिल्या पावसाला एक तर रोडचे ॲक्सिडेंट्स आणि MSEB-चा प्रॉब्लेम हा 100% होऊ शकतो। तो तुम्हालाही बिअर करावं लागेल, मलाही बिअर करावं लागेल, कारण ते वादळ जर सुटलं तर ते कमी नसतं। आज तुम्ही पाहत असाल ओरिसाला वादळ आहे, कलकत्त्याला वादळ आहे, विशाखापट्टणमला आहे, तर तो काय आपल्या निसर्गाचा जो गोष्ट आहे ती आपल्या हातात नाही, ती मी त्यांना ती बी त्यांचे लोक तयार ठेवायला सांगितलेले आहेत। दुसरा प्रश्न आला ट्रॅफिकचा, तर हे उड्डाण पूल सुरू होतो हा इथला, इथपासून तर कौशापर्यंत 57 त्याला ब्रेकअप दिलेत रस्त्याला, ते आम्ही आज चेक केले सर्व सकाळी सगळ्या अधिकाऱ्यांना घेऊन, ते सर्व जे मधले जे मार्ग आहेत ते आम्ही जास्तीत जास्त जे मार्ग रस्ता चालणार आहे तो उघडे ठेवणार आहे, काही जे डिवायडर्स तिथं ब्रेकअप झाले आहेत ते आम्ही बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। कारण ट्रॅफिक जसं या ताईंनी सांगितलं आहे की तुम्ही रिक्षा जर रिक्षा तुम्ही पहा चालताना कुठं उभी करते, स्पीड ब्रेकर क्रॉस केला की रस्त्यावर तो उभी करतो, एक मिनिट जर रस्त्यावर उभी राहिली तर ती मागची सगळी ट्रॅफिक जाम करून टाकतो। तर आम्ही ती सगळी काळजी घेतलेली आहे, आज सकाळीच आम्ही ते रस्त्याची पाहणी घेतलेली आहे,
आणि तुम्हाला मी गॅरंटी देतो तलावपाडीपासून तर इथपर्यंत मी तुम्हाला म्हणजे बिलकुल आश्वस्त करतो, आम्ही प्रत्येक ठिकाणी पोलीस ठेवणार आहोत, आम्ही ट्रॅफिक जाम होऊन देणार नाही. त्याला स्वतः आम्ही स्वतः रस्त्यावर उभं राहणार आहे. आम्ही संध्याकाळी 6:30 वाजल्यापासूनचा टायमिंग ते रात्री 12 मी पोलीस ठेवणार आहे तिथं. म्हणजे 100% पोलीस प्रत्येक चौकात राहणार आहे. त्यामुळे यावेळेस आपण ट्रॅफिकचा जास्त इश्यू होणार नाही अशी माझी अपेक्षा आहे. आता एखादे आडवेज असतात काही काही, ते आमच्याच पोलिसासमोर येऊन 4 पोलीस उभा असतो रस्त्यावर, तो त्याला तिकडंच विनाकारण घालायची असती. आपल्यातलेच काही रॉंग साईड येतात मोटरसायकलवाले, काही रॉंग साईड ॲटोवाले येतात, ते डायरेक्ट पोलिसांच्या अंगावर येण्याचा प्रयत्न करतात. जेव्हा आम्ही नियम लागू करण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा तुमच्यातले काही जण महाभाग त्याच्याला विरोध करण्याचा प्रयत्न करतात. तर ते असं आम्ही होऊन देणार नाही आहे. जे आहे ते कायद्याने करून घेणार आहोत. आने वाले रमजान पवित्र महिने की मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं. और जो इलेक्शन अभी कुछ दिनों पहले हुआ है वो आप सब ने हमको बहुत सपोर्ट किया. इस साल में एक भी NC मुमरा पुलिस स्टेशन में इलेक्शन के दरमियान दाखिल नहीं हुई. ये इसके बारे में मैं मुमरा पुलिस स्टेशन का जो भी स्टाफ है अधिकारी उनका भी अभिनंदन करता हूँ और मुमरा की आवाम का भी अभिनंदन करता हूँ. जो समस्या आपने बताई, पिछले 2 से मैं हूँ यहाँ पर, समस्या वही है और एक एक साल हम थोड़ा थोड़ा प्रगति कर रहे हैं. जैसा पिछले साल में ट्रैफिक में काफ़ी सुधार रहा, बाईपास बंद होने के बाद भी ट्रैफिक अच्छी तरह से चल रही थी. हमारे सामने वही एक आह्वान है कि पिछले साल से बेहतरीन ये साल में हम करें. स्वामी साहब का तबादला हो गया है और स्वामी साहब की कमी महसूस ना हो जाए उमरा वालों को, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी. और जितने स्पीड से पिछले साल ट्रैफिक चलती थी उससे ज़्यादा स्पीड ये साल में रहेगा, ये मैं हम सभी अधिकारियों के तरफ से आपको मैं एक शब्द देता हूँ कि ट्रैफिक की समस्या हम 90% हल करेंगे. रिक्शा यूनियन की हम अलग से एक मीटिंग बुलाएंगे उनके सभी पदाधिकारी और जो भी, क्योंकि जैसे अभी मैडम ने बोला कि अमृत नगर के आगे जाते नहीं, और एक जन थे उन्होंने बोला कि वो राइट साइड में दोनों तरफ से उतर दे. तो इस चीज़ों में कैसा है, रमजान में हमारा ये रहता है कि वो कामदार साहब ने भी बोला कि ये हॉकर्स का इशू है. रमजान में पुलिस का क्यों ऐसा है कि ये पवित्र महीना है और जैसे दिवाली मनाते हैं वैसा रमजान महीना रहता है. तो ये पूरे महीने में किसी के ऊपर अन्याय न हो जाए, ये पुलिस की तरफ से. अभी आज मैंने पूछा कि यहाँ पे सभी सोशल लोग दिख रहे हैं, पॉलिटिकल मुझे एक भी नहीं दिख रहा है. मुझे मालूम नहीं, 2-3 साल हो गए, लेकिन इतना ये मीटिंग आपके लिए है और जैसा पुलिस का करते हुए वैसे बाकी डिपार्टमेंट का भी करते हुए, बाकी डिपार्टमेंट की मीटिंग हमने सुबह ले ली है. लेकिन अभी आपको जो भी आप सुन के देते हैं उनके पास जाके भी थोड़ा सा करना चाहिए कि आप भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट आपका होना चाहिए आंदोलन करने में. जैसा आप हमारे पास आते हैं चलो मुक्ति भाई, वैसा नहीं होना चाहिए. ये पवित्र महीना है तो आपकी भी जवाबदारी है. आपकी जवाबदारी ये नहीं कि और 4 ठेले लगाए हुए, पुलिस को सब पता होता है, लेकिन हमारा ये होता है कि किसी के ऊपर कोई भी गुनाह दाखिल ना हो जाए. लेकिन जो अगर ज़्यादा करेगा, आती थे तो माती मिलता मराठी मरे, जो ज़्यादा करेगा उसकी माती हो जाएगी. तो वो भी आपके माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बहुत से कंप्लेंट्स हमारे पास में आते हैं कि सर इधर ऐसा ऐसा हो रहा है, इधर ऐसा ऐसा हो रहा है. तो वो जो है वो गरीब से गरीब को भी वही न्याय और कितना भी बड़ा हो उसको भी वही न्याय. यही मुमरा पुलिस स्टेशन में 2-3 मैटर छोड़ के मैंने देखा, 1-2 मैटर एक्सेप्शनल है उसमें कुछ हो गया है, लेकिन बाकी जगहों पे तो मुझे ऐसा कहाँ पे नहीं लगा कि किसी के बड़े का फोन आया और ऐसा गलत हो गया. ऐसा अगर है आपके लिए दिमाग में कोई है तो मुझे फिर बाद में ऑफिस में आके बताइए कि सर ये भी है, उसके बारे में सोचा जाए. जैसा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोला, मीटिंग लिया है और काफ़ी हम फिर बारिश का जो लास्ट का ये मई का हफ्ता है वो अगर हम अच्छा टैकल कर लेते हैं तो बारिश इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा. सिर्फ मेरा और एक कहना ऐसा है कि आपके माध्यम से हमने आपके पास भी हमारे नंबर्स हैं, सीनियर के हैं मेरे, हैं DCP सर के हैं. बहुत से बार क्या होता है कि 2 दिन लाइट नहीं है कुछ एरिया में,
लेकिन सीनियर को पता नहीं रहता है कि वो एरिया में लाइट नहीं है, लोगों के अंदर कुछ चल रहा है। तो अगर ऐसा है तो आप हमको कॉन्टैक्ट कीजिए कि सर ऐसा ऐसा है, लोगों के इसमें परेशानी है, आप थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कॉन्टैक्ट करें। नहीं तो अचानक क्या होता है, पिछले बार में रशीद कंपाउंड में 100 लोग आ गए रोड, तो उनको अगर हमको बोलते तो हम थोड़ा उनके और पीछे लगते और जल्दी करवा के लेते। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सब नंबर रखिए और हर इलाके का जो भी रहेगा उनके पास अगर नंबर रहेगा तो तुरंत हमको कॉल कर सकता। हम जो पानी की समस्या के बारे में बोला है उसके बारे में भी हम वो कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करेंगे। और जो हॉकर्स का मेन मुद्दा है, अभी ये साल में वो अपने को मीटिंग लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि कैसा है पिछले साल दो साल से गुलाब पार्क मार्केट में वहाँ पे लोग थे, अभी उधर से शिफ्ट हुए, उनका कहना भी सही है और जो दूसरी बाजू यहाँ पे रखी गई वो भी बाजू सही है, तो इसमें दोनों को रख के थोड़ा सा सभी लोगों को मिलके इसमें कुछ तो समाधान निकालना चाहिए। बाकी TMC के ऑफिसर्स और बाकी जो भी पॉलिटिकल लोग हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और एक सबको जिसे समाधान मिले ऐसी राय हमने बनानी चाहिए और उसके तहत होना चाहिए। लेकिन कर साहब ने जो बात कही उससे मैं सहमत हूँ कि लोगों को चलने के लिए रोड बचना चाहिए, अगर चलने के लिए रोड नहीं बचेगा अगर जहाँ से गाड़ी चलती वहाँ पे लोग चलने लगेंगे तो फिर ट्रैफिक का कोई ये नहीं है। 2.5 घंटा आपने बोला है, पिछले बार मैंने देखा है कि आधा घंटे के अंदर ही वाई जंक्शन से रेलवे स्टेशन तक आदमी आता था, तो हमारा इस साल में यह है कि 20 मिनट में कैसा वो आ जाए। तो उसके लिए ये जो रिक्शा है 50% अगर रिक्शा वालों ने सहायता की तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, क्योंकि जो भी कट्स है उसके ऊपर तो काम अभी चल रहा है और वो कट्स बंद हो जाएंगे तो और ये हो जाएगा। लास्ट में और एक मुद्दा था, रोड साइड की गाड़ियां का भी कट्स आपने बोला है, शॉप को लगाने की वजह से कुछ झगड़े होते हैं, ये मेरी जगह है ये मैं इधर लगाता था, तो वो आपस में झगड़े ना करते हुए कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके पास जाके उसका प्रॉपर परमिशन ले लिया जाए, और अगर वहाँ से समाधान नहीं हुआ तो पुलिस स्टेशन आ जाओ आप, वहाँ पे आपको समाधान मिलेगा। और कुछ पिक पॉकेटिंग के भी केसेस होते हैं इसमें, इसके बारे में भी लोगों को बताना चाहिए, हमारा पुलिस भी पूरा स्टाफ उधर रहेगा, इस बारे में हमने पिछले साल से बेहतरीन बंदोबस्त का इंतज़ाम किया है, स्पेशल रमजान को शाम को बंदोबस्त रहे इस तरह से उसका मैनेजमेंट किया है। रिक्शा देखो अगर बीच में रुकेगी तो उसको थोड़ा सा डंडा तो मारना पड़ेगा तभी उसको आवाज़ आता है। तो ये साल मेरा रिक्शा यूनियन का जो भी पदाधिकारी है उनको हम मीटिंग लेके बुलाएंगे, लेकिन आपके माध्यम से भी हम ये बोलना चाहते हैं, उन्होंने अगर सहायता की तो पुलिस वाले को सिर्फ खड़ा रहने की वजह दूसरा कोई काम नहीं होगा। रिक्शा वालों ने अगर सहायता की आने वाले कोई भी पैसेंजर है रोड के बाजू में लेके जो पट्टी है उसके बाजू में लेके अगर वो खड़ा हो गया और उधर से उसने पैसेंजर उतारा या पैसेंजर लिया तो 50% काम वहाँ ही बन जाता है, नहीं तो फिर मजबूरन हमें ये करना पड़ेगा जो जितने भी इलीगल रिक्शा है उनके ऊपर कार्रवाई चालू कर दिया जाए तो पूरा रोड अपने को खाली मिलेगा। तो ये करना है कि नहीं ये बाद में हम सोचेंगे, ऐसा रिस्पॉन्स आता है उसके ऊपर वो डिपेंड रहेगा। बाकी मेरे दो शब्द समाप्त करने से पहले आप सबको रमजान की मैं फिर से एक बार शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे दो शब्द समाप्त करते हैं, समस्या का निवारण करने के लिए हमारी हरकत पहले चालू हुई है, जैसा कि सीनियर साहब ने बताया TMC से और MSCB के अधिकारियों से हमने खुद बाहर करके बात की है, सर्वे भी चालू किया है तो उस पर काम चालू हुआ है। रहा ट्रैफिक का मुद्दा और ट्रैफिक डिसिप्लिन का, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस रमजान के दौरान लोगों की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिलेगा। ट्रिपल शीट जो चलाते हैं लोग उसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी ये बात हमको कम तादाद में नोटिस में आएगी, रॉन्ग साइड से आना, नो एंट्री से आना, लोगों को छोटे बच्चों को तकलीफ उस वजह से होती है, ये सब बातें अभी इस दौरान मीटिंग के बाद कुछ असर हमको देखने में मिलेगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आप सब लोग इतने बड़ी तादाद में आए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे SCP साहब भी उनके बिजी शेड्यूल में से आए उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनके परमिशन से आज का ये मीटिंग यहाँ पर कर
खत्म होती है। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँगा, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।